तेरा कब से तीन हो गया? मेरा भी तीन नंबर है। कब? बहुत सालों से मेरा भी अच्छा? तीन नंबर है। ये तो मेरी हिस्ट्री निकाल के देख, जर्सी तीन नंबर मेरी। तो मेरी बात सुन ले, ये ओए मैं तेरा सीनियर हूँ। सीनियर बड़ी ज्यादा सीनियर दिखा रहे हो आप। ये बात ठीक है कि तेरा चेन्नई में नंबर तीन है, पर ये इंडिया की जर्सी है। मेरे मैंने भी खेला तीन नंबर। तूने कब खेला? वेलकम टू क्विक हील भज्जी ब्लास्ट। इस शो में पता चलेगा क्रिकेट का प्रेजेंट एंड क्रिकेट का पास्ट, क्योंकि मैं आपका भज्जी लेके आया हूँ। क्विक हील भज्जी ब्लास्ट, ठीक था? इतने परेशान है तो पाजी मत करो ना। परेशान होने की बात नहीं है, मैंने ना एक्चुअली अपने आप से वादा कर लिया है। एक सलमान खान ने किया था कि मैं जब कमिटमेंट दे देता हूँ तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। मैंने भी अपने आप को कमिटमेंट दे दी है कि मुझे किसी ने चैलेंज किया तो एंकरिंग कर नहीं सकता, तो मैंने कहा मैं एंकरिंग करके दिखाऊंगा। और कैसे करके दिखाऊंगा, आप सब देखोगे और कहोगे कि ये सबसे बढ़िया एंकर है। भाई तू ही पंजाबी बंदे हो, मस्त रहो, आपा थोड़ी साथ चकदे फटे ना पे के लिए सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये चला भाई छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यार रैना, मैं किसी और सेलिब्रिटी को तो बुला नहीं सका, मैंने कहा तू मेरे लिए सेलिब्रिटी बन जा यार इस शो के लिए। भाजी मैं तुहाडा दोस्त हूँ, सेलिब्रिटी तो मैं लोगों ले रही हूँ। और नहीं नहीं, तू लोगों के लिए तो दोस्त है, मेरे लिए सेलिब्रिटी है। नहीं भाजी, आपका दोस्त हूँ मैं, तुहाडा छोटा भरा। शायद मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोले जा रहा हूँ यार, ये एंकरिंग की ना टेंशन बड़ी है मुझे। टेंशन लेनी नहीं है आपको, कितना अच्छा कर रहे हो आप, देनी है आपको टेंशन। सही बता, अच्छा कर रहा हूं। सही सही है बिल्कुल भाजी, बहुत अच्छी है। कोई चील भाजी, मेरी नजर इधर ही है। ये तीन नंबर ना मेरा है, और इसकी मैं कहानी बताता हूँ। तीन नंबर हमेशा शुरू से, मैंने जब से इंडिया के लिए खेलना शुरू किया है, तीन नंबर पहना है। और बीच में रायना ने भी तीन नंबर पहना है, पर जब जब मैं टीम में नहीं था तब तब इसने मुझे फ़ोन किया है कि पाजी तीन नंबर मैं ले लूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेशक ले ले। और इसने चेन्नई के लिए नंबर तीन ही पहना है, अब मैं 27 पहन रहा हूँ चेन्नई के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का नंबर है 27। नहीं मेरा भी पाजी वैसे ही था, तीन नंबर मेरा, जहाँ मेरा सबसे पुराना घर था, पापा आर्मी में थे तो उस घर का नंबर तीन था, तो मेरा फर्स्ट मैच इंडिया के लिए वहाँ खेला। उसके बाद मेरी जब भी मैं फैमिली का कोई बड़ा ओकेज़न होता था, चाहे मेरी मॉम का, चाहे मेरी सिस्टर का, पापा का, तो तीन नंबर काफ़ी एक वैल्यूबल नंबर था, तो तीन नंबर को काफ़ी खुशियाँ मिली हैं परिवार को। तो मुझे लगा तीन नंबर मैं जब देश के लिए खेलूंगा तो खुशियाँ ही देनी है देश नू भी, तो मैंने इसीलिए तीन नंबर भी। मेरी शादी 3 तारीख नू हुई, अप्रैल नू, सारी गड्डियों के नंबर तीन है, तो तीन का नंबर पाजी कुछ कनेक्शन है साडा, तीन का नंबर है, इसीलिए ये 2 से 3 भी हो गया है। और आई विश यू 3 से 4 भी हो जाए जल्दी, ताकि ये तीन नंबर मैं रख लूँ। वैसे 3 से 4 होने का प्लान तो मेरा भी है, तो ये नंबर को रिटायर कर देंगे फिर बाद में। मुझे एक बात बता, येलो जर्सी 2 साल बाद चेन्नई सुपर किंग दोबारा खेलने आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है भजुआ, और 2 साल के बाद आना इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि इतने साल हम लोग खेले, 8 साल, और मैं तो खेला ही हूँ। आप पहले इंडिया के लिए ब्लू के लिए खेले, फिर मुंबई इंडियंस के ब्लू के लिए खेले, आप बताइए आपको कैसे लगा कि साउथ इंडिया में आके? साउथ इंडिया में, हाँ यार एक बात तो तेरी सही है, मैं पहली बार येलो में खेल रहा हूँ, मेरे पे रंग सही लग रहा है, अच्छा लग रहा हूँ जर्सी। बहुत मज़ा आया पाजी, जितने हमने शूट किए, जितना भी हमारा मीट एंड ग्रीट्स हुआ, तो सब लोग जिस तरह से आपने तमिल में लोगों को एंटरटेन किया था, बहुत मज़ा आया। तमिल पुतांड नाल वातकाल। पता क्या है, मेरे लिए थोड़ा सा पहला वाला मैच जो था ना, वो थोड़ा इमोशनली था, वेट था कि मैं इस ड्रेसिंग रूम से उस ड्रेसिंग रूम में। और हमेशा जब जब तुम्हारे साथ मैच हुआ ना, मेरे दिल करता था तुम सबको पिटूं, क्योंकि तुम एक ऐसी टीम थी इकलौती जिनसे हमें लगता था कि यार इनको अगर हराना है ना तो बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा हमें। और मुंबई इंडियन और का क्या मैच होता था, तो हमेशा फुल पैक्ड स्टेडियम और ब्यूटीफुल वेन्यू वानखेड़े, जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड कप भी जीते। पहली बार हुआ तू और मैं दोनों एक ही टीम में थे जो जीती है, नहीं तो तेरे और मेरे में से ये होता था कि आइदर तू ये विनिंग साइड पे होता था या मैं विनिंग साइड पे। इस बार हम दोनों इकट्ठे, तेरे मेरे में नंबर के अलावा ना, तीन नंबर के अलावा और भी सिमिलैरिटीज है। इसका नाम सुरेश रायना तो सब जानते हैं, इसका नाम सोनू है। मेरा नाम हरभजन सिंह तो सारे जानते हैं, पर मेरा नाम भी सोनू है। तो सोनू सोनू ते मोनू आशीष नेहरा का नाम है, मोनू को भी बुलाएंगे इस शो पे, पर फिलहाल दोस्त सोनू है। और इसमें और मेरे में और एक सिमिलैरिटी है, मेरी वोटी भी वलैती है, मतलब मेरी बीवी, और इसकी जो बीवी है वो भी वलैती है, क्योंकि कई सालों से विदेश में ही रहती हैं। ग्रासिया
और हिनाया, दोनों की उम्र जो है वो तकरीबन मिलती जुलती है और शक्लें भी बड़ी मिलती जुलती हैं, मुझे एक ही तरह की लगती हैं ये। और अभी रिसेंटली प्रियंका ने कुछ फ़ोटोज़ ली थी, तो वो फ़ोटोज़ मेरे पास यहाँ पे है, ये देख क्या बढ़िया पिक्चर है। ये दोनों सेम है, दोनों एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के, जैसे कनेक्शन नहीं होता। ये वाली देख और ये देख, बेटियों की फील ही भजूपा अलग है वो। सही बात है। तो मैं जीतो या हारो, जब ये वापस आओ तो एक बार पापा बोलती हैं तो बंदा भूल जाता है कि वाह यार क्या फीलिंग है। क्या रहे ना, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यू आर कश्मीरी। मेरे जो पापा हैं वो कश्मीर से हैं, मेरी मम्मी हिमाचली हैं, वो हिमाचल से हैं। और जब मेरे पापा आर्मी में थे, एक जगह है रैना वाड़ी, वहाँ से रहे हैं पापा। क्योंकि मैं इतना नहीं गया कभी, पापा ने नहीं जाने दिया उधर, क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। पापा हमेशा मैं, मेरी दीदी को और मेरे भैया को इधर ही यूपी में रखा। उसके बाद मैं मुरादनगर से गाज़ियाबाद आए, जब वहाँ से फिर हमने लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। और आपको पता है हॉस्टल में आप भी रहे हो इतने साल, तो एक कल्चर जो था क्योंकि गरीब घर से आना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना। मैं गाँव में खेलता था, जैसे आप इतने बड़े स्टार रहे, हम आपको टी वी पर देखते थे खेलते हुए। तो लेजेंड हरभजन सिंह बॉलिंग टू रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, तो आप दोनों, आपको देख के बड़े हुए, तो एक जुनून रहता था कि हम भी देश के लिए खेलेंगे। क्योंकि जुनून था, जज्बा था, और आप हमेशा फाइटिंग प्लेयर माने गए। वो जो भी दूसरे खेमे में बातें होती थी कि नहीं बस कर पगले उलाएगा क्या, इतनी तरीफें। आप जी नर्वस मत हो, इतना अच्छा यार एक्चुअली ना मुझे पता नहीं है करना क्या, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ एंकरिंग। और जब कोई मेरी तरीफ कर रहा है ना, मुझे समझ नहीं आती, मैं कैमरे की तरफ देखूँ तुम्हारी तरफ देखूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे शुगर लग रहा है और उसके ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि एंकर वर्सेज एंकर नहीं हो रहा है, ये एंकर वर्सेज दोस्ती चल रही है। तो सोनू की लाइफ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है, और मेरी भी लाइफ वैसी ही इंटरेस्टिंग लाइफ है, क्योंकि हम वैसे घरानों से आए हैं जहाँ पे कुछ हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी, बट सपने बहुत बड़े बड़े थे कि इंडिया के लिए खेलना है। और शायद वही एक सपना था जो आज साकार हुआ है, क्योंकि वो सपना इतना पक्का था कि उसके लिए मेहनत करनी है और उसको पाने के लिए कुछ भी करना है। तो ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स की जिसने आके इंडियन क्रिकेट का जो फील्डिंग का नक्शा जो है वो बदला है। ये ज़बरदस्त फील्डर हैं, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त कैच लिए हैं मेरी बॉलिंग पे, और हम पंजाबी भी हैं, ये भी एक हमारे में सिमिलैरिटी है। तो रैना एक पंजाबी गाना तो सुना दे यार, मैं नाल ताली मारन लई मैं तैयार बैठा। केड़ा भाजी दसो, केड़ा मर्जी दिल करदा सुना दे। लाई भी न गई गला गला हो गया भाजी एक से पिला चलो लाई भी न गई तन्हाई भी न गई लाई भी न गई तन्हाई भी न गई मैनू मारदा जहां मैनू सारा तेरी मेरी इंज टूट गई सोनिए ओ जिवें टूटिया बरसो तारा। क्या बात है। फ्री का एंटीवायरस देता है सिर्फ इतना, जबकि क्विक हील टोटल सिक्योरिटी देता है एंटीवायरस, एनहांस फायरवॉल, वेब सिक्योरिटी, सेफ बैंकिंग, एंटी फिशिंग, प्राइवेसी प्रोटेक्शन और एंटी रैंसमवेयर भी। रखना है डेटा सेफ तो क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। देखिए हम सबकी जिंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं, क्रिकेटर की जिंदगी में भी, यहाँ छूते हैं फिर नीचे गिरते हैं, अगले दिन 100 बनाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो मैं रैना, कोई ऐसा इंसिडेंट तुम्हारी जिंदगी में आया है जो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो, जिससे लगे कि हाँ यार यहाँ से मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई थी? नहीं बिल्कुल भाजी, और 2006 की बात है, एंड उस टाइम पे मैंने मॉम डैड के लिए, भैया दीदी के लिए घर लिया था गाज़ियाबाद में, तो वो लोन वाला घर था वो। अच्छा। तो मेरा चोट लगा तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि खेल नहीं पाएगा, मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते थे कि हमें क्रिकेट का नहीं पता, सिर्फ आप चल सको दोबारा, वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे लोगों को दिखाना है, बहुत मेरे अंदर जज्बा है वापस आने के लिए ग्राउंड। तो वो चीज़ मुझे कैप मी गोइंग। और इतने पैसे नहीं होते थे कि आप साउथ अफ्रीका जाओ या इंग्लैंड जाओ, डॉक्टर से सलाह परामर्श कर सको, लोगों से मिल सको। तो उसके बाद एक लाइफ में था कि नहीं, मुझे ग्राउंड में गया, और मेरे वीरू भाई कैप्टन थे चैलेंजर ट्रॉफी में, तो वो कैप्टन, उस मैच में मैं मैंने तो सीरीज बना चैलेंजर ट्रॉफी में जो हमारी अहमदाबाद में हुई थी। और फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ चांस मिला डाउन अंडर, जहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, जिसमें पाजी ने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, और वो साइमंस को आपने आउट किया था जब हमारी वो फोटो आई थी सीबी सीरीज वाली।
वो सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी मेरी भी खेली हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना वॉज, वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन, वो ये तो बातें हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना वॉज नामुमकिन, वो असल बात है, फिल्म उस पर बननी चाहिए, डॉन तो फिर पकड़ा जाएगा। वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात होती है, और यू नो रैना हम यहाँ पे बैठे हैं, हम बड़े लकी बंदे हैं, हम वर्ल्ड कप विनर हैं यार, क्या बात है, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। मतलब मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि वर्ल्ड कप विनर्स, आई मीन बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेल के गए हैं बट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, और इस देश में वर्ल्ड कप की क्या अहमियत होती है, और तुम उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जो हमने जीता था, हाउ डिड यू फील? तो एक इमोशनल मोमेंट था हमारा वानखड़े में, और मुझे याद है कि जब लीग फेसिस के मैच चल रहे थे, मैं नहीं खेल रहा था, तो मैंने अपना हार्डवर्क और बढ़ा रखा था, अपना फील्डिंग बैटिंग, और उस टाइम रूल था, मुझे याद है जब मैं फील्डिंग करने आया तो मैंने 2-3 कैचेस पकड़ा था, एक बैंगलोर में जो हमारा टाई हुआ था मैच, आपने मैट प्रायर को बॉल डाला तो मैंने मिड विकेट कैच पकड़ा था, तो वो, और आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने से जो हमारे हिंदुस्तान में एक एकता बनी, और हमारी टीम को लोगों ने एक बिलीव किया कि कहीं भी जीत सकते हैं। और मैं आपको एक हिस्सा बताता हूँ, क्योंकि मैं खेला नहीं था उधर वर्ल्ड कप के लीग मैचेस में, मुझे एक ही चांस मिला था वेस्ट इंडीज़ के मैच में, लेकिन भज्जूबा कैप्ट मी गोइंग कि नहीं बड़े मैचेस आएंगे, डोंट वरी आपको चांस मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टाइम 100 वन डेज खेल चुका था, और वर्ल्ड कप जीतना होम ग्राउंड में इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू। जो भज्जूबा ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉट आउट खेला, 35 या 39 कुछ बनाया था, बड़ी क्रूशियल इनिंग थी वो यूवी के साथ, अगर रैना उस टाइम पे आउट हो जाता तो हो सकता था मैच किसी भी तरफ चले जाता, बट दैट वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ दोज मोमेंट कि वी न्यू इट कि यूवी के साथ अगर दोनों ये खेल रहे हैं तो मैच निकाल देंगे, तो दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग, और दैट वॉज अनबिलीवेबल मोमेंट। आई विश कि इंडिया अगला वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो भी जीते, और तू तो ज़रूर खेले ही खेले। रैना ये तो थी वर्ल्ड कप की बात, बट IPL यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें बहुत सी रिकॉग्निशन भी दी, पैसे भी दिए, और ज़िंदगी बहुत चेंज होगी उससे। बट IPL में ना कि एक चीज़ और होती है कि जब चौका लगता है, जब छक्का लगता है ना, तो ठुमके बड़े लगते हैं, और रैना ने इतने चौके छक्के लगाए हैं, तूने बड़े ठुमके लगवाए हैं, और तुझे लगता है कहीं ना कहीं यार हम ज़ाती करते हैं कि जो चेयर लीडर हैं उनके लिए हमने कोई अवार्ड ही नहीं रखा है यार, इतने डांसर्स हैं उसमें भी तो अवार्ड देना चाहिए। सही बात है, जो इतने चौके छक्के आप मारते हो, वो इतना एनर्जी रखते हैं, वो ग्राउंड में डांस करते हैं। गौर से देखो इस रैना को जिसके नैना में बहुत से ठुमके छुपे हुए हैं। लेकिन हम लोग को टाइम तो मिलता नहीं भाई देखने का, कि ग्राउंड कभी नहीं देखा? नहीं मैंने भाई नहीं देखा। हाँ ये शुरू में अंदर फील्डिंग करता है ना तो तब इसका ध्यान नहीं जाता, बट बाद में तो पीछे जाता है। उस टाइम भज्जूबा बॉलिंग करे और कैच पकड़ना है तो उधर फोकस करना पड़ेगा, कभी बीच में गैप है हुआ कोई गाना इतना नहीं हुआ इतना ही। रैना मैंने एक रैपिड फायर तैयार किया है तेरे लिए, ठीक है भाई? ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो है सड़ियल। अंपायर्स ओके, कोई भी अंपायर, कोई भी। बेस्ट ड्रेसर इन द टीम, विराट कोहली। वर्स्ट ड्रेसर इन द टीम, माइक अजी। ओके, बेस्ट हेयर स्टाइल, ईशान शर्मा, लंबे बाल। मैं जा रहा हूँ। उसका वर्स्ट में आएगा तुझे। अच्छा बेस्ट पूछा है आपने। केएल राहुल। केएल राहुल यस। और बेस्ट गप्पी। बेस्ट गप्पी भज्जूबा दिख रहे। गप्पी मैं गप मारता हूँ यार। अच्छा गप्पी, गप्पी जो गप मार, रविंद जडेजा। जडेजा यार इसने मुझे ही बना दिया। मैं कुछ और सोचा थी भाई। बेस्ट खप्पी, कोई खेल। भज्जी ब्लास्ट। भज्जी ब्लास्ट। अच्छा डूड आदमी कौन है जो स्टाइलिश बंदा? नहीं वो स्लॉट तो भाई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है डूड अगर उस जनरेशन में देखोगे तो आप सब लोग डूड बंदे। आशु भाई, जहीर भाई, आप लोग जब ही इज वेरी रूड। ये जानबूझ के बोल रहा है आशीष को डूड। उलझा बंदा। कुलजा। कुलचा नहीं, उलझा। उलझा थिंक पीयूष चावला। अच्छा इतना ही करता रहता भाई। हाँ। सुलझा बंदा। MS धोनी। बिल्कुल, ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। डेढ़ शाना कौन है? एक शाना तो पता है रोहित शर्मा अपना। डेढ़ शाना भी उसको ही कर देते। नेता कौन है टीम में? अरे भाई साहब नेता ऐसे बहुत सारे भाई। मैं तो नहीं हूँ उनमें। नहीं नहीं यूपी से।
चलो नेता छोड़ दिया, टीम में इसको सोचने का वक्त देते, अभिनेता कौन है टीम में? हरभजन सिंह, कोहली, विराट कोहली। कोहली बड़ा तगड़ा एक्टर है। सबसे तगड़ा बोखड़ कौन है जो खाने की लठ बजा देता है? बहुत सारे, एक कोई हाइपर एक्टिव कौन है? भाई दिनेश कार्तिक। सबसे तगड़ा पद्दड़ कौन है टीम में? पद्दड़ मेरे हिसाब से युवराज सिंह है, बाकी बता दे, तू भी बता दे। मेरे ख्याल से युवराज सिंह है, उसको बीट नहीं कर सकते, उसके शुरू ऐसे होता है, वो मतलब एक बाइक चलती है कि उसको, वो अपनी बाइक खुद ही लेके आता है। भाई कभी कभी आपने बॉलिंग की है, कभी अंपायर ने ऐसे किया है? मैं तुझे बताता हूँ एक इंग्लैंड की स्टोरी। मैं काउंटी मैच खेल रहा था, काउंटी मैच में ना हवा इस तरफ थी और मैं अंपायर के पीछे था, तो मैं बॉल डालने जा रहा हूँ तो अंपायर ने वो सुमड़ी वाला छोड़ दिया, बिल्कुल जैसे छोड़ा है वो, मुझे आवाज़ तो सुनाई नहीं थी बट मैं ऐसे आगे भागा हूँ ना, तो मेरे वैसे पूरा नशे से मैं बॉल बूल फेंक के ना मैं उधर भाग गया, तो मेरे सारे टीम मेट हंसने लगे, कहते क्या हुआ? मैं कहा मैन दिस गाय इज गोना किल मी, मैं कहा आइदर यू सेंड हिम टू द टॉयलेट, get things sorted or else I am not bowling from this end. मैं कहा यहाँ तो मेरा एंड चेंज करो या इसको भेजो यार टॉयलेट। अगर तू शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहा हो, बैट्समैन का पेट खराब हो, कैच पकड़ेगा या भाई उधर ही नशे में गिर जाऊंगा बंदा बेहोश, यार कैच नहीं पकड़ पाऊंगा, मर गया। फ्री वाला एंटीवायरस देता है सिर्फ इतना। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी देता है एंटी वायरस, इनहेंस फायरवॉल, वेब सिक्योरिटी, एंटी फिशिंग, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एंटी रैंसमवेयर और सेफ बैंकिंग भी। रखना है ना बैंक अकाउंट सेफ, तो क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। रैना कुछ अपने यूथ के लिए तुम्हारी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए? बस ये है कि जितने भी यंगस्टर हैं आउट देयर, यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, जो दिल में आता है वो करिए, क्या होगा उसके बारे में मत सोचिए, जस्ट एंजॉय लाइफ। और जितना ज़्यादा ईमानदारी से रहें और जितना ज़्यादा दिल से खुशी से रहें और कीप स्माइलिंग ऑलवेज नो मैटर व्हाट, लाइक आई एम। और अगर आपको इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल टिप्स चाहिए तो इनका इंस्टाग्राम फॉलो करिए, उस पर आपको बड़े ज़बरदस्त वीडियो मिलेंगे। कभी रहना ऐसे फ़ोटो खींचता है, कभी ऐसे खींचता है, ऐसे खींचता है। बड़े अच्छे अच्छे वीडियो लगाता है। अभी अभी नहीं, हमने एक वीडियो लगाई थी, बिल्ली तो गुर्राने लगी। तुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने से जो फैंस के साथ जो है हमारी इंटरेक्शंस जो है वो और भी बढ़ गई हैं और कितना इजी? इट्स गुड टू बी देयर, आई मीन इट्स नॉट लाइक वी हैव टू शो समथिंग टू समवन, बट दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इन्जॉय कर रहे हैं अपना ऑफ द फील्ड। क्रिकेट तो सभी लोग, हम जब खेलते हैं, जब टाइम मिलता है तो आप कोशिश करते हो कि आप ऑफ टाइम में क्या करते हो, स्विमिंग कर रहे हो या फिर खाना जा रहे हो दोस्तों के साथ। तो इतने सारा उसमें फॉर्मेट है, आप कभी हंसते हो, कभी कुछ भी बन सकते हो। तो मुझे लगता है कि इट्स गुड, आप जब खाली टाइम में बैठते हो तो यू कैन सी योरसेल्फ। कभी बिल्लियाँ तो होनी चाहिए ना यार, वो आपका शहनशाह का वीडियो, वो जड्डू बहुत क्लास लग रहा था। वो वीडियो इसने बनाई थी बाय द वे, तो जिसने भी बढ़िया वीडियो बनवानी हो तो सुरेश रैना को कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ ये महंगा बहुत है बट काम बढ़िया करेगा। थैंक यू सोनू, थैंक यू सोनू भाई, ऑन माय यस सोनू एंड सोनू, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो भज्जी ब्लास्ट। आई होप यू एंजॉयड इट। आई एंजॉयड इट, आई हैव एंजॉयड इट और आई एम श्योर जितने भी सुनने वाले हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी एंजॉय किया हुआ। तू आया है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा भाई छोटे भाई को देता है, तो मैंने एक तेरी मनपसंद का गिफ्ट लाया है कि होप यू लाइक इट। क्विक हील भज्जी ब्लास्ट और भज्जू भाई ने जितने हंसाया हमने बहुत हंसाई की है, लेकिन गिफ्ट ये नहीं है, पाजी दा प्यार है। क्या बात है, गुड लक भाई। थैंक यू वेरी मच। अब जाने से पहले ना एक हम इस शो पे सेल्फी भी लेते हैं
तो ज़रा एक तस्वीर ले लें, हमने कुछ प्रॉप्स मंगा रखे हैं बढ़िया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डालने भी तो है ना बाद में। बिल्कुल भाई, तो बढ़िया सी फ़ोटो खींचते हैं। Watch me on Quick Heal Bhajji Blast only on QuPlayTV.